मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। पाकिस्तानात प्रियकरासाठी पोहोचलेल्या अंजूचे हे पती आहेत। राजस्थानमधील भिवाडीमध्ये पती अरविंद, अंजू आणि त्यांची मुलं राहायचे। मात्र आता चित्र बदललंय। पाकिस्तानातील दीरबाला जिल्ह्यात राहणाऱ्या 29 वर्षीय नसरुल्लासाठी अंजू कुटुंब सोडून पाकिस्तानात पोहोचली आहे। काही वर्षांपूर्वी नसरुल्ला आणि अंजूची सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ओळख झाली। कालांतरानं नसरुल्ला आणि अंजू प्रेमात पडले। त्यानंतर हे नातं इतकं घट्ट झालं की या नात्याला नाव देण्यासाठी अंजू पाकिस्तानात पोहोचली। सध्या अंजू नसरुल्लाच्या घरी राहते। दीरबालाचे जिल्हा पोलीस अधिकारी मोहम्मद मुश्ताक यांनी बीबीसीशी बोलताना अंजू पाकिस्तानातच असल्याची माहिती दिली आहे। नसरुल्लानं बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की आमचं ठरलं होतं, अंजूने आधी पाकिस्तानात माझ्या घरी भेट द्यायची, इथे येऊन माझ्या कुटुंबियांना भेटायचं। पाकिस्तानात आम्ही साखरपुडा केला की मग अंजू 10-12 दिवसात भारतात परत जाईल, त्यानंतर ती परत पाकिस्तानात येईल आणि आम्ही लग्न करू। हा आम्हा दोघांचा वैयक्तिक निर्णय आहे आणि यात कोणीही हस्तक्षेप करू नये असं अंजूला वाटतं। आम्ही माध्यमांपासूनही लांब राहण्याचा प्रयत्न करतोय। ही कहाणी पाकिस्तानमधील सीमा हैदर आणि नोएडातील सचिन मीणा यांच्या लव्ह स्टोरीशी मिळती जुळतीय। फक्त या कहाणीत अंजू व्हिसा घेऊन कायदेशीररित्या पाकिस्तानात पोहोचली आहे। व्हिसासाठी या दोघांना 2 वर्ष वाट पाहावी लागल्याचंही ते सांगतात। पाकिस्तान आणि भारतातील नागरिकांमधील अशा प्रेम कहाण्या नवीन नाहीयेत, मात्र दोन्ही देशांमधील तणावपूर्ण संबंधांमुळे नागरिकांना व्हिसा मिळण्यात अडचणी येतात। पण या सगळ्यात अंजूच्या पतीला मोठा धक्का बसलाय। ते म्हणतात, मेरे पास तो ये बता के गई थी कि जयपूर गई हूँ, हमने कंपनियों में जो स्टाफ है सब पूछते थे, हमने बता दी कि जयपुर गई है, जयपुर गई है। और मेरे को कल शाम को पता चला है, क्या पता चला कि लाहौर हूँ। तो कैसे पता चला आपको? वो फ़ोन आया था, वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, उस पर। क्या बताया उन्होंने? थोड़ा उन्होंने बताया कि मैं लाहौर हूँ, मैं सबको बता दिया हूँ, मम्मी पापा को, फेवा को, ब्लेसी को, सब। तो लाहौर क्या करने के लिए? ये मेरे को नहीं बताई कि लाहौर क्या करने के लिए, क्लियर कट मेरे को नहीं पता इस बारे में कि क्यों गई है, कैसे गई है, ये नहीं मेरे को पता। कैसे वीज़ा अप्लाई किया, कैसे क्या हुआ, कैसे वेरिफिकेशन हुआ, मेरे को इस बारे में कोई पता नहीं है। हाँ, मेरे से ये बोली थी कि जयपुर सहेली रहती है, उससे मिलने गई हूँ, ये बात हुई थी मेरे। कोई नूरुल्लाह नाम के शख्स हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं? मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। नसरुल्लानं बीबीसीला सांगितलं की काही वर्षांपूर्वी नसरुल्ला आणि अंजूची सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ओळख झाली। कालांतरानं नसरुल्ला आणि अंजू प्रेमात पडले। मूळची उत्तर प्रदेशची असलेली अंजू एका खासगी कंपनीत काम करते। बीबीसीनं अंजूशी बोलण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा अंजूची मीडियाशी बोलण्याची इच्छा नसल्याचं नसरुल्लानं आम्हाला सांगितलं। अंजू भारतातील तिच्या कंपनीतून सुटी घेऊन पाकिस्तानात आली असून ती नोकरीसाठी भारतात परत जाईल, ती मुस्लिम धर्म स्वीकारणार आहे की नाही हा तिचा निर्णय असेल, यात मी तिला काहीही बोलणार नाही, असंही नसरुल्लानं बीबीसीशी बोलताना सांगितलं।